आगरा शबे बारात के मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद को सजाया गया। दुल्हन की तरह यही एक काम नई कमेटी ने दिए अंजाम। इस रात दुआ के लिए उठे हजारों हाथ। वहीं पर वो को दृष्टिकोण रखते हुए थाना प्रभारी मंटोला राजीव सिरोही, एसएसआई राजवीर से चौकी इंचार्ज विवेक कुमार, दीपक कुमार ने अपनी टीम के साथ बड़ी मुस्तैदी से क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का किया निर्वाहन। बताया जाता आगरा है कि होली शबे बारात के पर्व को सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने बड़े ही प्यार हर्षोल्लास से मनाया। वही इबादत की रात मुस्लिम भाइयों द्वारा देश में अमन चैन भाईचारे के लिए की दुआ। इस रात मुस्लिम भाई खासतौर से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपनी उम्र में बरकत व मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। वही देखा गया कि शहर की तमाम मस्जिदें रोशनी से जगमग रही थी, तो वही इस बार नवगठित कमेटी द्वारा शाहीजामा मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया गया। मस्जिद में इबादत के लिए आने वाले सभी मुस्लिम भाइयों कहना था कि वर्तमान में जिस तरीके से अल्लाह के घर को सजाया गया है, ऐसा लग रहा है कि वाकई आगरा शहर की शान शाहीजामा मस्जिद अपने पुराने अस्तित्व में लौट आई है। हमने मस्जिद के प्रति अच्छे दिन आने के सपने देखे थे, वह आज पूरे हो गए हैं। सभी धर्म के मानने वालों का यह कर्तव्य है कि धार्मिक स्थल आस्था के पवित्र स्थान होते हैं, जिन्हें हमेशा साफ सफाई कर सजाए रखना यह बहुत ही पुण्य का काम होता है। जो सच्चे लोग अपने रब से प्यार करेंगे वही यह काम जरूर करेंगे। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी के साथ अजीम भारती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। तो परिचय वकीलुद्दीन कुरैशी। हाँ, जामा मस्जिद में देखने को मिला है काफ़ी तादाद मुझे समाज ने जुमे की नमाज अदा कर हम नमान के लिए दुआ मांगी गई है। वहीं ये तो देखने को मिला है कि यहाँ पर जो साफ सफाई और माकूल इंतजाम है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बब की प्रॉपर्टी जो होती है, अपने समाज को मैं बताना चाहता हूँ कि ये बब की प्रॉपर्टी वो लोग दान कर जाते हैं जो अपने कोई नहीं होता उन लोगों के परिवार में, तो वो अल्लाह की राह में दान कर जाते हैं। इसलिए कि गरीबों के लिए ये प्रॉपर्टी सहारा और उनकी बेटियों को, उनकी बेवाओं को ये इनका असर मिले, जो कुछ भी उनको अहले सवाब मिले। देखने को मिला है वक्त संपत्ति जो आगरा में है, जो कुछ लोगों ने खुदबूत कर दिया, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही चाहता हूँ कि वो यहाँ से तुरंत हट जाएं। इस वक्त प्रॉपर्टियों जो लोग घेर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने घरों को भर लिया है, जो कुछ नहीं थे कल तक, वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं, गाड़ियों में खेल रहे हैं, और उन्होंने सारी संपत्तियों को अपने हवाले कर लिया है। क्या आगरा के मुसलमान यही कोई आवाज उठाना चाहता है? संसद से भी यही मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी छानबीन की जाए, कि कल तक ये कुछ नहीं थे, आज ये करोड़ों पति बन के बैठे हुए हैं, गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे मकानों में रह रहे हैं, ये कहाँ से आया इनके पास? ये इनकी छानबीन होना चाहिए भाई। आगरा का मुस्लिम समाज क्या बाकी जाग चुका है माफिया प्रति? आप लोग क्या है उसके लिए आवाज उठाना चाहते हो? हम यही आवाज उठाना चाहते हैं कि हम अपनी मैसेज को प्रधानमंत्री और योगी साहब से भी कहना चाहते हैं कि जो लोग घेर के बैठे हुए हैं जगहों को, इनसे खाली कराएं। बुलडोजर चल रहा है या चलता रहा, ये बुलडोजर रुके ना। चलिए आपका शिमला मोहम्मद फैसल, इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद का छोटा भाई। फैसल भाई, ये बताइए आज जो भारी संख्या में मुस्लिम हमारी है जिन्हें एक नमाज अदा की है, उसका खास कारण क्या है? देखिए, उसका खास कारण ये है कि कोई अगर स्कूल होता है और वहाँ पे कोई प्रिंसिपल चेंज होता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल की पुरानी गलतियाँ थी उनको दूर करके नया प्रिंसिपल अच्छा काम करे, क्योंकि यहाँ पे कमेटी चेंज हुई है, नए अध्यक्ष बने हैं, तो लोगों में एक मैसेज पहुँचा हुआ था कि जामा मस्जिद में तमाम काम चल रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि उन लोगों का आने का मकसद ये है जामा मस्जिद में कि क्या क्या काम हुए हैं पहले से लेके अब क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, उन सबको देखने के लिए बहुत उसमें उत्साह में यहाँ आई हुई है। ज़्यादा से देखने को मिला है आगरा शहर क्या पूरे हिंदुस्तान में होली का पर्व बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, तो वहीं आज शबे बारात इबादत की रात है, कहीं इसको लेकर मुस्लिम समाज आकर्षित तो नहीं है मस्जिद में, या उसकी देख रेख के लिए या भव्य जो है रोशनी के लिए इसलिए आप ज़्यादातर मुस्लिम तादाद में आए? नहीं, देखिए, शबे कदर जो हमारा फेस्टिवल शुरू होता है वो शाम को शाम के बाद या मगरिब के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि आज जुमा है, जुमे आज उससे कम 30% बढ़ी है,
इतनी नहीं बढ़ी है, 30% बढ़ी है, वो भी लोग देखने के लिए आए हुए हैं। रही बात होली की और शबे कदर की, तो उसमें पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। जामा मस्जिद के प्रशासन ने बैरिकेड लगाए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी बाइक होली से संबंधित या कोई होली खेलने वाले नहीं निकल रहे हैं। तो मैं पुलिस को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि दोनों त्योहारों को बहुत बढ़िया तरीके से मनवा रही है पुलिस प्रशासन। होली के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? होली के अवसर पर कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ ईद है, मिलने का त्यौहार है, एक दूसरे से शिकवे गिले दूर करके कमियां भुलाने का त्यौहार है, ऐसी एक होली है। होली पे भी गले मिला जाता है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशियों का त्यौहार है। आप शहरवासियों को क्या कहते हैं? शहरवासियों को मैं अपनी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।